everyone, and I welcome you all to another brand new episode of Nitibha Knows. वैसे तो Nitibha knows everything, but one thing which is tough is to convince your parents for a trip to Goa, वो भी friends के साथ. Mostly Goa के trips ना parents की वजह से cancel होते हैं. But it's Goa, the pizza of India. इतनी जल्दी हार माननी नहीं चाहिए. क्या आप Goa जाना चाहते हैं? तो please keep watching because आज मैं आपको कुछ ऐसी prices suggestions दूंगी जिससे आपका Goa trip easily plan हो जाएगा. ओके सो हियर्स व्हाट यू हैव टू डू. आपको अपनी मम्मी पापा की थोड़ी सेवा करनी पड़ेगी ताकि बदले में वो आपकी एटलीस्ट एक बात तो माने. वाओ नितिभा, आज पराठा सिर्फ एक ही तरफ से जला है, क्या बात है. अरे मम्मा वो सब छोड़ो, आपके पराठे में इतना कम बटर लगा है. लो मैं थोड़ा सा और लगा देती हूँ. क्या बात है, आप इतनी मक्खनबाजी क्यों? क्या चाहिए तुम्हें? क्या मम्मा आप भी. इनफैक्ट आज पराठों के अलावा मैंने दही और आइसक्रीम भी जमाई है, वो भी विद एक्स्ट्रा बटर. अरे वाह, इतना सारा मक्खन तो मक्खन में भी नहीं होता. क्या फरमाइश है मैडम की? मम्मा आपको लगता है मैं आपकी सेवा सिर्फ कुछ मांगने के लिए करती हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं. वो बस थोड़ा सा गोवा जाना है थोड़े से दोस्तों के साथ, और पता है वहाँ पे ना रेव कीर्तन होते हैं मंदिर. आप मुझे जाने नहीं दोगे क्या? रेव कीर्तन? मक्खन मारने के साथ साथ आपको अपने पेरेंट्स को कुछ प्रॉमिसेस भी करने पड़ेंगे, जैसे कि गोवा जाके दारू पियोगे क्या, देखोगे भी नहीं. हे व्हाट्सएप, पैकिंग कर ली सारी? अरे नहीं बाबा, यहाँ से क्यों लेके जाएंगे, वहीं से खरीदेंगे ना, वहां सस्ती मिलती है, वहीं से ले लेंगे रम. क्या खरीद लेंगे? रमेश जो हमारा दोस्त है ना, वो उसके लिए दवाइयाँ गोवा से ले लेंगे, थोड़ी सस्ती मिलती है वहाँ. अच्छा, ऐसी कौन सी दवाई है जो गोवा में सस्ती मिलती है और यहाँ नहीं? और कहीं इस अपने दोस्त रमेश के साथ तुम शराब तो नहीं पीने वाली हो? शराब? क्या होता है मम्मा? सुना सुना सा लग रहा है, पिछली बारी पापा के मुंह से सुना था. अच्छा, तो तुम्हारे पापा को तो मैं देख लूंगी. और तुम एक बात कान खोल के सुन लो, तुम गोवा नहीं देख पाओगे, समझी? मम्मी प्लीज. अगर मम्मी नहीं मानी तो पापा को इमोशनल ब्लैकमेल करो, ज्यादा सिंपल होता है. और अपने आप को एक टीवी सीरियल की हीरोइन समझकर बस ये कहो, एक आखिरी बार आपसे कुछ मांग रही हूँ. पाओ जी, आई मीन पापा, मम्मी तो देखो मान नहीं रही हैं, आप ही मान जाओ, मुझे गोवा जाने दो, मुझे पीने दो, आई मीन मुझे जीने दो. मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ बेटा, पीना ही तो जीना है, बस मुझे तुम्हारे सारे दोस्त बिगड़े हुए लगते हैं. अरे पापा, मेरे दोस्तों के बारे में ऐसा मत सोचो. वो पूजा है ना, वो तो इतनी जैन है कि वो चिकन भी अनियंस के बिना खाती है. रोहन जो है मेरे दूर के बॉयफ्रेंड जैसा है, प्लीज मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ जाने दो ना, वैसे भी इसके बाद तो मेरी शादी हो जाएगी. मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, एक दिन मेरी भी हो गई थी, लेकिन तेरी शादी के बाद मैं तेरे साथ टाइम कैसे स्पेंड करूँगा? तो मैं भी ट्रिप करने चलता हूँ, मतलब ट्रिप पे तेरे साथ चलता हूँ. But पापा, लेकिन ये ड्रामा बहुत हुआ. लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट. हम सबको पता है कि हमारे पेरेंट्स हमारी सेफ्टी के लिए कंसर्न्ड होते हैं, तो हमें उनको सिर्फ इतना रियलाइज करवाना है दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल इनफ. मम्मी पापा, देखो आपने जो बोला मैंने वैसा ही किया. आपने बोला 12th में अच्छे मार्क्स लाओ, मैं 91% लाई. आपने बोला कि घर का काम सीखो, तो मैंने डस्टिंग सीख ली, यहाँ तक कि अब मैं पानी भी उबालना सीख चुकी हूँ. देखो आपने पिछली बारी भी मुझे गोवा जाने से मना करा था क्योंकि मैं छोटी थी, पर अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ. टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. मुझे लगा था कि मेरे पेरेंट्स DDLJ के अनुपम खेर जैसे होंगे, आप लोग तो अमरीश पूरी जैसे निकले. बस बहुत इमोशनल कर दिया तूने बेटा, जा नितिभा जा, जी ले अपनी जिंदगी. ओह माय गॉड, भले ही आपके पास राज ना हो, आपके पास आज जरूर है, और इस आज को वेस्ट नहीं करना चाहिए. जस्ट मेक योर पेरेंट्स रियलाइज दैट इट्स ओके टू गो टू गोवा विद योर फ्रेंड्स. अरे अगर आप जवानी में नहीं जाओगे तो कब जाओगे?
तो इसलिए मैं तो गोवा चली. अगर आपको ये टिप्स यूजफुल लगी तो आप भी गोवा जाओ. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. क्या आप भी मेरी तरह ट्रिप करना मतलब ट्रिप पे जाना चाहते हैं तो जाओ, लेकिन द कॉमिक वाला पे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करके जाओ.